AX5 Select आज मैंने चुनी है रिव्यू करने के लिए। इंजन के जो वाइब्रेशन है आमतौर पर गाड़ियों पर पेडल पर या फिर एक्सेलेटर पर आते हैं, इसके मुझे महसूस नहीं हो रहे हैं। एकदम क्लियर है, स्टेयरिंग एकदम स्मूथ है और वो स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस वक्त मैं फील कर पा रहा हूँ। मेरे साथ में महिंद्रा से मिराज भाई है। इसमें एक चीज और अच्छी है कि ऑल फोर व्हील पे आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं जो कि सेफ्टी में इनफ लेग स्पेस आपको मिलता है हर एक सीट पर। और जब बात ड्राइविंग की होती है तो कमाल का एक्सपीरियंस है। स्टीयरिंग पर आपको मिलते हैं सारे के सारे इंफोटेनमेंट कंट्रोल। राइट हैंड साइड पर आपके सारे मिरर कंट्रोल और साइड व्यू मिरर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बीच वाले सेक्शन में अच्छा खासा स्पेस है जहाँ पर ऑटोमेटिक और मैनुअल जो भी ट्रांसमिशन आपने लिया है वो आप चूज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग गियर शिफ्ट होती है। यहाँ पर आपको एसी का कंट्रोल पूरा का पूरा मिलता है। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि ये कार टोटली एलेक्सा कंट्रोल्ड है और जो भी आप चाहें वो एलेक्सा को बोल सकते हैं म्यूजिक चलाने से लेकर के सनरूफ ओपन करने तक। मेरे साथ में इस वक्त सौरभ भाई हैं। सर, इसमें अलेक्सा प्लस एडिनोक्स कनेक्टिविटी दी गई है। इसमें अलेक्सा से आप काफी चीजें एक्टिवेट कर सकते हैं लाइक सनरूफ, म्यूजिक, अलेक्सा ओपन सनरूफ। ओके, 6 स्पीकर्स हैं। अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं तो वो शायद 9 या 10 स्पीकर्स तक जाता है। स्टार्ट स्टॉप बटन है इसमें। 7 सीटर फुल कंफर्टेबल कार है और सेफ्टी का क्योंकि ध्यान रखा गया है तो 7 एयरबैग्स इसमें आपको मिलते हैं, यानी कि आपकी सेफ्टी के साथ में 0 कॉम्प्रोमाइज। साथ ही 1999cc का इंजन है, 4 सिलेंडर, 17 इंचज के टायर हैं, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है। आपको ओवरऑल एक अच्छा स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलता है। जब आप एलेक्सा को कंट्रोल करेंगे तो एलेक्सा प्ले 94.3 माय एफएम। 94.3 फ्रॉम एफएम रेडियो। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे वाली सीट पर भी इनफ स्पेस है, 3 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर बीच में एक हैंडरेस्ट भी दिया गया है जहाँ पर आपके ग्लास या मग रखने के लिए एक स्पेस भी है। इनफ स्पेस है आपके पैरों को सामने फैलाने के लिए। लेग रूम आपको प्रॉपर मिलता है। आपको एसी के वेंट यहाँ पर मिलते हैं जिससे आप अपनी कूलिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर आपको मिलता है टाइप सी चार्जिंग का पोर्ट जिसमें आप सीधा अपने फोन को भी चार्ज कर सकते हैं। अब जब इतने कमाल की एसयूवी ली है तो अपने दोस्तों के साथ में अपनी फैमिली के साथ में ट्रिप पर ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। और ट्रिप पर जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो सामान है, जितने कपड़े हमें चाहिए वो एडजस्ट हो पा रहे हैं कि नहीं। मिराज भाई, बूट स्पेस वैसे तो मैं देख रहा हूँ काफी है, एंड आई एम श्योर ये जो सीट्स हैं ये टिल्ट हो जाती हूँ। हाँ जी, इसमें जो है ये आपको स्पेस मिलता है। जैसे आप 7 लोग पूरे जा रहे हैं तो यहाँ पे भी आपके सूटकेस इजिली आ जाते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर आप 5 सीटर एज अ यूज करते हैं तो यहाँ पे आप बूट स्पेस जो है इसके तो यहाँ पे भी एक okay. बैठ सकते हैं। अगर आपको दोनों फोल्ड करना तो दोनों फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीट के पीछे आपको सीट लॉक दिया हुआ है जिसके जरिए ये पूरा का पूरा स्पेस अभी आपका बूट स्पेस के तौर पर यूज किया जा सकता है, जहाँ आराम से आपके मल्टीपल सूटकेस आ सकते हैं। अब तो आई थिंक आप अपने मोहल्ले को भी ले जा सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि जो पीछे बैठने वाले जो पैसेंजर्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी सुविधा का ध्यान नहीं रखा गया है। साइड में उनके लिए भी एसी वेंट दिए गए हैं ताकि हवा उनके पास तक आए। साइड में यहाँ पर मग होल्डर दिए गए हैं जहाँ पर अपने ग्लास या मग वो रख सकते हैं। एसी के टेम्परेचर को या फैन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर भी यहाँ पर दिया गया है। उसके साथ में आई थिंक यहाँ पर चार्जिंग स्पॉट भी दिए गए हैं। चार्जिंग तो पीछे भी आप बैठ करके अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं।